Hello students, in this lecture we will discuss about combination of registers. Let's start. अभी तक दो वर्ड्स आए थे, पहले एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टिविटी, अब है एक रजिस्टर. जो रजिस्टर है और जो रेजिस्टेंस है, दोनों अलग अलग है. रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होगी डिवाइस की, और रजिस्टर क्या होता है, वो एक डिवाइस होता है. रजिस्टर को हम लोग डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, कोई भी हो सकता है रजिस्टर. हम लोग जितने भी डिवाइस यूज करते हैं, फैन, लाइट, बल्ब, कुछ भी, उसकी रेजिस्टेंस आर. रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होगी मटेरियल की, रजिस्टर डिवाइस होगा. हम लोग कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं दो कॉम्बिनेशन, एक पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस क्या है? जैसे सीरीज में क्या होता है, एक रजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट होगा. तो सीरीज में एक का स्टार्टिंग दूसरे के एंड पॉइंट से कनेक्टेड होगा, तो वो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होंगे रजिस्टर्स. लेकिन पैरेलल में क्या होगा, सबका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक साथ अटैच होगा, सबका जो मिड पॉइंट वो होगा, एंडिंग पॉइंट होगा. स्टार्टिंग पॉइंट सबका एक साथ अटैच होगा, सबका जो लास्ट पॉइंट होगा वो एक साथ अटैच होगा. इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. एक का स्टार्टिंग दूसरे के एंड से इस तरीके से कनेक्टेड है, यहां सबका स्टार्टिंग एक साथ अटैच है, सबका एंड पॉइंट एक साथ अटैच है, तो वो होते हैं पैरेलल. हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में निकालते हैं इक्विवेलेंट रजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रजिस्टेंस फॉर द कॉम्बिनेशन. इक्विवेलेंट का मतलब है, जैसे हम लोगों ने यहां तीन डिवाइसेस लगा रखे हैं, रजिस्टेंस R1, R2, R3, किसी पोटेंशियल डिफरेंस पे एक पर्टिकुलर अमाउंट करंट की ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर इन तीनों को रिप्लेस करके मैं कोई ऐसा सिंगल लगाऊं कि वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे सेम करंट देगा, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सेम कंडीशन यहां R1, R2 और R3 इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगी. तो अब हम लोग स्टार्टिंग से करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वैल्यूज आएंगी वो किस तरीके से आएंगी. लेट्स स्टार्ट सीरीज कॉम्बिनेशन. हम लोगों ने एज्यूम किया कि तीन रजिस्टर्स हैं हमारे पास, R1, R2, R3. इनके रजिस्टर्स R1 है, इसकी R2, इसकी R3. हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया है एक बैटरी के साथ, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V रखा, एक स्विच लगा. जैसे स्विच ऑन करेंगे करंट I फ्लो करेगा. अगर हम लोग बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक की, तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसमें आती है कि जो करंट होगा वो पूरे सर्किट में सेम फ्लो करेगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पूरे सर्किट में डिफरेंट होगा. मतलब हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा. इन दोनों को हम लोग एक्टिविटी हेल्प से भी वेरीफाई कर सकते हैं. जैसे हम लोगों ने एक एमीटर को यहां लगाया, एमीटर को यहां लगाया, एमीटर की रीडिंग नोट की. उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एमीटर को यहां से हटा के यहां, यहां या यहां, इन तीनों पॉइंट पे लगाया है, तो हर पॉइंट पे जो एमीटर की रीडिंग सेम आई है, तो एमीटर करंट को मेजर करता है. एमीटर की रीडिंग सेम, तो इसका मतलब क्या है, करंट सेम है. फिर हम लोगों ने इसके पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस क्या करना है, इसमें एक यहां वोल्टमीटर लगा दो, इसकी रीडिंग नोट की. इसके बाद इस वोल्टमीटर को हटा के हम लोगों ने इसके क्रॉस लगाया, इसके क्रॉस लगाया, तीनों के क्रॉस जो वोल्टमीटर है उसकी रीडिंग में क्या क्या चेंजेस मिले, चेंजेस मिले तो मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के क्रॉस क्या हुआ, डिफरेंट हुआ. तो सपोज करते हैं कि हम लोग ये R1, R2, R3 करंट I फ्लो कर रहे हैं तीनों में, क्योंकि करंट सेम है. इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एज्यूम किया V1, ये V2 और ये V3. ओम्स लॉ क्या कहेगा, V इज इक्वल टू IR, ये कहां से आया, बाय ओम्स लॉ. तो अब जो तीनों रेजिस्टर्स है हमारे वन, R1, R2 और R3, इनके अक्रॉस हम लोगों ने लगाया ओम्स लॉ, तो वैल्यूज मिली V इज इक्वल टू IR1, V इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3. जब इनको प्लस किया हम लोगों ने V1 प्लस V2 प्लस V3, तो हम लोगों को मिला V. अब इन सब की वैल्यूज यहां रखी हम लोगों ने, तो ये किसके इक्वल है, बट IR1, IR2, IR3.
यहां से भी किसके इक्वल हो जाएगा, I इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये वैल्यूज आई हमारी फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन इसको हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग यहां फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट का मतलब है कि जो काम यहां तीन रजिस्टर्स कर रहे थे मिलके, वो काम कोई सिंगल करे। कंडीशन क्या है, जैसे यहां बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की और करंट सपोज करते हैं कि सर्किट में 2 एम्पियर जा रहा है, जब ये तीनों जो अप्लायंसेस है वो काम कर रहे हैं, हम लोगों ने उन तीनों को रिप्लेस किया सिंगल से, कंडीशन डाली सेम पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोगों को सेम करंट मिले। मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस, अगर यहां भी बैटरी 12 वोल्ट की है, हम लोगों को करंट यहां 2 एम्पियर मिल रहा है, तो जो ये आरएस है जो हम लोगों ने लगाया है वो क्या है, वो इस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर हम लोग यहां ओम्स लॉ लगाएंगे तो यहां क्या जाएगा, बी इज इक्वल टू आई आर एस, ये हमारी आई सेकंड वैल्यू, बी की वैल्यू ये भी है, बी की वैल्यू ये भी है। तो अगर हम लोग बात करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, आई इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री किसके इक्वल हो जाएगा, आई इंटू आर एस, आई से आई कैंसिल हुआ, तो यहां से क्या बच जाएगा बेटा, आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये जो हमारी डेरिवेशन आई है, मतलब जो ये वैल्यू आई है, ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। पैरेलल में क्या होगा, सबके स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होंगे और एंड पॉइंट सबके कॉमन होंगे। सपोज क्या हुई, तीन रजिस्टर्स आर वन आर टू और आर थ्री कनेक्ट किए हैं पैरेलल में, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस भी और करंट आई फ्लो कर, यहां करेक्टरिस्टिक उसके जस्ट अपोजिट है, करंट होगा डिफरेंट और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रहेगा सेम। इसको भी हम लोग एक्टिविटी की हेल्प से वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे अगर हम लोग एमीटर लगाते हैं यहां पे, उस एमीटर की रीडिंग नोट की, फिर एमीटर को यहां लगाया, तो इन दोनों एमीटर की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहां, एक एमीटर यहां लगाया, यहां और एक यहां लगाया, तीनों एमीटर की जो वैल्यूज आई वो अलग अलग आई, उनकी रीडिंग वैल्यूज थी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या पता चला कि यहां सर्किट में करंट है वो अलग अलग फ्लो कर रहा है। सपोज ये आई वन, ये आई टू और ये आई थ्री, और सेम हम लोग इस तीनों के अक्रॉस अगर एक एक वोल्टमीटर लगाते हैं तो उनकी वैल्यूज सेम आई, तो वहां से पता चला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। तो आर वन आर टू आर थ्री, करंट आई वन आई टू और आई थ्री, वही बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी रहेगा यहां सबके अक्रॉस क्योंकि वो सेम है। ओम्स लॉ लगाओगे तो ओम्स लॉ से हम लोग पता चला V इज इक्वल्स टू आई आर, तो V इज इक्वल्स टू आई वन आर वन, V इज इक्वल्स टू आई टू आर टू, तीनों के क्रॉस लगा के आई थ्री आर थ्री। यहां से मैंने आई वन की वैल्यू निकाली, वो कितनी आई V बाय आर वन, आई टू की वैल्यू आई V बाय आर टू और आई थ्री की वैल्यू आई V बाय आर थ्री। जब इन तीनों वैल्यूज को लेकर प्लस किया, आई वन आई टू और आई थ्री की वैल्यूज को लेकर प्लस किया, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो वो किसके इक्वल आएगा, जो टोटल करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है उसके। अब इन सबकी वैल्यूज देखिए, तो I किसके इक्वल हो जाएगा, V बाय आर वन, V बाय आर टू और V बाय आर थ्री। तो यहां से V कॉमन लिया, 1 बाय आर वन, 1 बाय आर टू और 1 बाय आर थ्री। जैसे हम लोगों ने वहां तीनों को रिप्लेस किया था, यहां भी अगर हम लोग तीनों को रिप्लेस करते हैं सिंगल के साथ, कंडीशन वही रखेगी, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे सेम करंट मिले, तो सिंगल को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, तो यहां आरपी से डिनोट किया, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओम्स लॉ लगाओगे तो क्या मिलेगा, बी इज इक्वल टू आई आर पी, तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर पी, एक आई की वैल्यू ये है एक की है, दोनों को इक्वेट कर दो, चाहे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट इसको सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिला हम लोगों को, वी बाय आर पी इज इक्वल टू वी इंटू वन बाय आर वन, वन बाय आर टू और वन बाय आर थ्री। वी से भी कैंसिल हुआ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए डेरिवेशन जो एक्सप्रेशन है हमारा वो आया वन बाय आर वन प्लस
प्लस वन बाय आर टू और वन बाय आर थ्री। ये हमारी आई है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये आर थ्री का मतलब ये नहीं कि सिर्फ तीन ही हो सकते, हो सकता है कि यहां दो तक हो तो वो क्या जाएगा आर वन प्लस आर टू, और हो सकता है कि यहां पांच रेजिस्टर्स कनेक्टेड हो तो वो वन बाय आर फोर प्लस वन बाय आर फाइव भी हो सकता है। नेक्स्ट बेटा, ठीक, नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जो हम लोग यूज करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, तो उसको देखते हैं। जैसे हम लोगों ने तीन रजिस्टर्स लगाए, तीन रजिस्टर मतलब तीन डिवाइसेस लगा लो चाहे, उनको पैरेलल में लगाया और यहां हम लोगों ने उनको सीरीज में लगाया। सपोज करते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं टीवी, ये बल्ब और ये हीटर। सेम चीज है यहां, एक टीवी, ये बल्ब और ये हीटर। अब सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग क्या होगा कि तीनों में करंट सेम फ्लो करेगा, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि टीवी बल्ब और हीटर इनकी जो करंट रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है, करंट रिक्वायरमेंट यहां कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन यहां क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितना करंट रिक्वायर्ड होगा उतना उनमें से फ्लो करेगा, जितना करंट रिक्वायर्ड होगा उसको। सेकंड इसके एडवांटेज में क्या रहेगी, सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तीसरी एडवांटेज इसकी क्या होगी, हम लोग सबके लिए जो सेपरेट स्विच यूज कर सकते हैं, सेपरेट स्विचेस रहेंगे यहां, इसके लिए अलग लगा सकता हूं मैं, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं रहेगा, मतलब जो स्विचेस रहेंगे वो कॉमन रहेंगे, एक रहेगा, एक को अगर उसको ऑन करोगे तो तीनों चलेंगे, उसको ऑफ करोगे तो तीनों बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अगर इन तीनों में से कोई भी एक खराब हो जाए, टीवी बल्ब या हीटर में से वर्किंग है, कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो खराब हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या है, बाकी दोनों अप्लायंसेस क्या है, कंटिन्यूअसली काम करेंगे, उनकी वर्किंग पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर यहां तीनों में से कोई भी खराब हो जाए तो बाकी दोनों जो है काम करना बंद कर देंगे। ये थी हमारी पैरेलल की एडवांटेज। बेटा अगर इनसे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।